तेजस ट्रेन में अंडरवियर और बनियान में घूमते देख जेडीयू विधायक को टोकने वाले प्रहलाद पासवान इन दिनों खूब सुर्खियों में हैं। जदयू विधायक गोपाल मंडल अपने विवादित बयानों और क्रियाकलापों के कारण हमेशा से सुर्खियों में छाए रहते हैं, लेकिन इस बार गोपाल मंडल प्रकरण को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा प्रहलाद पासवान ने बटोरी है। प्रहलाद पासवान ने गोपाल मंडल के ऊपर जो केस दर्ज किया उसके बाद वो लगातार मीडिया में बयान दे रहे हैं। घटना के अगले दिन प्रहलाद की पहचान भले ही उजागर नहीं हो पाई हो, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों को मालूम पड़ा है कि दरअसल गोपाल मंडल जिसकी वजह से मुसीबत में घिरे हैं वो कोई और नहीं बल्कि पूर्व सांसद सूरजभान सिंह के करीबी हैं। पूर्व सांसद सूरजभान सिंह के साथ हमेशा देखे जाने वाले प्रहलाद पासवान उनके स्टाफ के तौर पर काम कर चुके हैं। हालांकि इस वक्त वो दलित सेना के राष्ट्रीय सचिव हैं। प्रहलाद पासवान इन दिनों एलजेपी पारस खेमे में मौजूद हैं। दरअसल अपने नेता सूरजभान सिंह के पशुपति पारस के साथ होने की वजह से प्रहलाद भी पशुपति पारस के खेमे में जुड़े हुए हैं। उन्हें दलित सेना का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। पिछले दिनों पशुपति कुमार पारस जब पटना आए थे तो प्रहलाद पासवान भी उनकी स्वागत में मौजूद थे। प्रहलाद पासवान को पहचानने वाले लोगों को अच्छे से मालूम है कि वो सूरजभान सिंह और उनके परिवार के कितने करीब हैं। ऐसे में अब ये बात साफ होते दिख रही है कि जदयू विधायक गोपाल मंडल को अंडरवियर बनियान में घूमता देख टोकने वाला कोई मामूली व्यक्ति नहीं बल्कि राजनीतिक रसूख रखने वाला शख्स था। प्रहलाद पासवान के सोशल मीडिया अकाउंट पर नज़र डालें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के साथ तक उन्होंने अपनी तस्वीरें शेयर की है। ऐसे में इस बात की संभावना भी कम दिखती है कि वो जदयू विधायक गोपाल मंडल को नहीं पहचानते थे। गोपाल मंडल हमेशा से सुर्खियों में बने रहते हैं। ये मानना थोड़ा मुश्किल लगता है कि राजनीति के गलियारे में सक्रिय कोई व्यक्ति गोपाल मंडल को नहीं पहचानता हो। हालांकि प्रहलाद पासवान ने जदयू विधायक के ऊपर जो पोस्ट किया है उसमें उनके साथ लूटपाट के साथ साथ गाली गलौज तक के आरोप लगाए गए हैं। प्रहलाद पासवान का पॉलिटिकल कनेक्शन उजागर होने के बाद अब राजनीतिक गलियारे में हर तरह की चर्चाएं हो रही हैं। चर्चा ये भी है कि पारस और सूरजभान सिंह के करीबी प्रहलाद ने जदयू विधायक के गोपाल मंडल को ऐसा फंसाया कि अब नीतीश कुमार को जवाब देते नहीं बन रहा है। उधर गोपाल मंडल के खिलाफ पुलिस एक्शन मोड में आ चुकी है। गोपाल मंडल के खिलाफ आईपीसी की अलग अलग धाराओं के साथ साथ SC ST एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया है। आरा रेल पुलिस ने रेलवे से संपर्क करने के बाद घटना के दिन का CCTV फुटेज हासिल कर लिया और अब इसकी पूरी छानबीन की जा रही है। पटना के रेल SP विकास ब्रह्मन के मुताबिक रेल पुलिस इस पूरे मामले की जांच गंभीरता से कर रही है। हर पहलू को बड़ी बारीकी से खंगाला जा रहा है। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के खिलाफ केस दर्ज करने वाले प्रहलाद पासवान में दिल्ली पहुंचने के बाद मीडिया में खुद बयान दिया। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल के खिलाफ केस दर्ज करने वाले प्रहलाद पासवान ने दिल्ली पहुंचने के बाद मीडिया में खुद बयान दिया था कि कैसे उनके साथ मारपीट की गई। जेडीयू विधायक के ऊपर नशे में रहने का आरोप प्रहलाद पासवान ने लगाया था। इस मामले में गोपाल मंडल की मुसीबतें बढ़ गई हैं, लेकिन प्रहलाद पासवान का पॉलिटिकल कनेक्शन सामने आने के बाद अब राजनीतिक गलियारे में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। फर्स्ट बिहार ने इस मामले में प्रहलाद पासवान से बात की थी। उन्होंने खुद को सूरजभान सिंह का करीबी बताया। प्रहलाद पासवान ने खुद कहा था कि वो पूर्व सांसद के PA रह चुके हैं।